Swami, and thank you for giving me an opportunity to share with you what I have been working on since past. मैं कोशिश करूंगी पर मेरी हिंदी थोड़ी तंग है तो अगर मैं गलती करूं तो माफ कर दीजिएगा जी बिल्कुल तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही थी आप लोगों से ये एक वर्क इन प्रोग्रेस टॉपिक है पॉलिटिकल इकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो पिछले 3-4 सालों में बाहर उभर के ज़्यादा आया है 2000 सन के आसपास इस पर काम शुरू हुआ था जिसमें काफ़ी लोग जो अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग दुनिया के कोने से इस पर काम कर रहे थे पर एक नाम जो खास करके बाहर निकल के आता है वो वॉट्स एंड पेलूसा का निकल के आता है जिन्होंने पहली बार इस फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत काम किया था और बातचीत भी की थी थोड़ा ढांचे में डाल के इससे पहले बातचीत हो रही थी पर कुछ स्ट्रक्चर नहीं था आज के इस टॉपिक पे जिसमें मैं बात कर रही हूँ क्लेम सॉलिडारिटी और डिसेंट के बारे में इसमें मैं पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इकोलॉजी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हम माइग्रेशन और एनवायरनमेंट की साथ साथ में बात करते हैं तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है हम सबों ने जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं मैंने तो नहीं सुना है पर आप लोगों ने यहाँ पे बाकी भी लेक्चर्स सुने हैं और आप काम भी करते आ रहे हैं इस टॉपिक पे तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है उसके साथ अगर हम एक और चीज़ जोड़ दें तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और उसको समझने के लिए फिर एक ऐसे डिसिप्लिन की ज़रूरत है कि जिसमें हम अलग अलग वेरिएबल्स को समझ सकें कि क्या क्या रेलेवेंट पॉइंट्स ऑफ अग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट हो सकता है इस चीज़ को लेके पॉलिटिकल इकोलॉजी जो फील्ड है वो हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है नेचर और मैन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमंस के बारे में बहुत सारे डिसिप्लिन्स आज तक बात कर रहे हैं पर पॉलिटिकल इकोलॉजी में स्पेसिफिकली हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और इकोलॉजी को जोड़ने की कोशिश करते हैं अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ क्योंकि अगर आप ये समझें कि मैं कहाँ से आ रही हूँ तो आगे भी मेरे लिए आसान हो जाएगा आपसे इस पर बातचीत करना अगर मैं आज के डेट में देखूँ तो मैन एंड एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन है ख़ास करके शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जब हम इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो ये रिलेशनशिप बहुत सारे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिफाइन होता है एक कोई फ्रेमवर्क नहीं है जो हमें बता सकता है किसको हम कैसे समझें और पॉलिटिकल इकोलॉजी में अगर 6-7 मुख्य रूप से लोग हैं जो दुनिया भर में इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये सातों लोग अलग अलग तरीके से इसको अप्रोच करते हैं इनमें से किसी का फ्रेमवर्क सेम नहीं है और ये डिसिप्लिन है जो ये परमिशन देता है इसीलिए ये डिसिप्लिन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम बात करते हैं इस डिसिप्लिन के बारे में और एनवायरनमेंट माइग्रेशन को लेके मेरा काम जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी पिछले 5-6 सालों में मैंने उत्तराखंड मणिपुर और उड़ीसा में ज़्यादातर काम किया और जहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके साथ मैंने ज़्यादा काम किया है मैं ट्राइबल शब्द यूज़ कर रही हूँ इंडिजिनस नहीं यूज़ कर रही हूँ उसका भी एक खास कारण है जो हम आगे बातचीत करेंगे इसमें अगर मैं आज के डेट में देखूँ तो आपको याद होगा कि हम स्टेट के ऊपर काफ़ी काम करते हैं जब हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट एंड द होमोजेनाइटी ऑफ अ स्टेट और इसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिक किया है जब वेबर के टाइम में हम स्टेट एंड सोसाइटी की बात करते थे तो हम होमोजेनस एंटिटीज़ के बारे में कितने लोगों ने उनको क्रिटिक किया था इस क्वेश्चन को लेके और जिस तरह से स्टेट यूनिटी को क्रिटिक किया गया था उसी तरह से पॉलिटिकल इकोलॉजी में इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंडरस्टैंडिंग को भी क्रिटिक किया गया है कि मेरे लिए जो आज के डेट में नेचर या इन्वायरमेंट है वो शायद आपके लिए सेम नहीं है और इस वेरिएबिलिटी को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा अगर हम इंडिजिनस या फिर ट्राइबल माइग्रेशन की बात करें इस देश में आज दो तीन बातें बहुत ही उभर के आती हैं इससे पहले कि मैं कोई भी डेटा कोट करूं मैं बताना चाहूँगी कि
दो संस्थाएं जो इसके ऊपर ज़्यादातर डेटा को लेके काम करती हैं, जिससे हमारे नेशनल ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स निकल के आते हैं. तो उसमें दो डेफिनेशन हमें मिलते हैं. एक तो है कि फ्रॉम प्लेस ऑफ ओरिजिन से लेके अगर कोई कम्युनिटी दूसरी जगह जाता है किसी अपॉर्चुनिटी की खोज में या फिर डिस्पोजेशन के कारण, तो उसके कारण वो माइग्रेशन हुआ. और दूसरा होता है कि लास्ट प्लेस ऑफ लिविंग से लेके कोई नई जगह जा रहा है. खैर, ये तो डेफिनेशन की बातें हैं माइग्रेशन के बारे में, जो कि हम सबों को जानकारी है भी. पर इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को लेके ये पॉइंट इसलिए रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि आज के डेट में इस देश में अगर हम बोले रेलेवेंट डेटा कहाँ है, तो हमें राष्ट्रीय स्तर पे ये डेटा बहुत मुश्किल से मिलता है, और जो मिलता है वो कॉन्फ्लिक्टिंग होता है हमारे लोकल डेटा सेट से. तो जितने भी प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्टडीज़ आप देखेंगे, खास करके इन स्टेट्स में जहाँ पे मैंने काम किया है और जिनके बारे में मैं बोल सकती हूँ, जो ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग विद स्टेट डेटा सेट्स हैं. अगर स्टेट बोल रहा है कि सर्टेन एरियाज़ में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑन अ डिक्रीज है, जो कि एक्चुअली बोलता है 2013 का रिपोर्ट, NSFW का जो रिपोर्ट आया वो ये बोलता है कि रूरल से अर्बन जो माइग्रेशन है इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का, द रेट ऑफ परसेंटेज इज डिक्रीजिंग. पर ये एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट नहीं आया है हमारे डेटा सेट्स में भी और काफ़ी बाकी डेटा सेट्स में भी, चाहे IFAD का स्टडीज़ हम देखें, FAO का स्टडीज़ हम देखें, जो ज़मीनी तौर पे इन एरियाज़ में काम कर रहे हैं. और इसका कारण ये है कि ना तो हमारे पास डेफिनेशनल क्लैरिटी है कि हम किस चीज़ के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं. क्या हम पैस्टोरलिज्म की बात कर रहे हैं, किस फॉर्म ऑफ पैस्टोरलिज्म की बात कर रहे हैं? अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो किस फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं? इस पर कहीं भी आपको यूनिटी नहीं है देश भर में. इस कारण से हमारे पास रेलेवेंट डेटा आज के डेट में इस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इस चीज़ को उभर के बाहर लाने वाले जो मुख्य ऑथर्स हैं, जो हमारे देश के भी हैं और बाहर के भी हैं, उन्होंने ये बात उठाई 2013 में कि इस पे काम करने की ज़रूरत दो एंगल्स से ज़रूरी है. हम जहाँ तक इंडिजिनस माइग्रेशन की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि माइग्रेशन क्यों हुआ, कारण क्या था, और फिर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उस कारण को टैकल किया जाए. पर उसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि माइग्रेशन के कारण इम्पैक्ट क्या हुआ प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ माइग्रेशन पे, एंड दैट इज़ वेयर एनवायरनमेंट कम्स इन. इकोलॉजी की जो पिक्चर है वो वहाँ पे रेलेवेंट हो जाती है. अगर बहुत ही संक्षिप्त में इसको बोलूँ तो मैं ये बोलूँगी कि अगर मैं आज कहीं पे माइग्रेट कर रही हूँ, कि मान लीजिए मैं उड़ीसा की एक किसान हूँ, एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, अगर मैं किसी दूसरे एरिया पे माइग्रेट करती हूँ, तो मेरी जो ज़मीन थी उसका क्या हो रहा है वो उतना ही ज़रूरी है जितना कि जहाँ मैं माइग्रेट की वहाँ पे मैंने ज़मीनी काम क्या किया है. और इसके कारण इकोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, वहाँ का मार्केट स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज होता है. और इसका एक एग्जाम्पल मैं मणिपुर से उठाना चाहूँगी कि मणिपुर में उखरुल में तांगखुल नागास रहते हैं, और वहाँ पे माइग्रेशन का जो एक्सटेंट है वो पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. माइग्रेशन का कारण वहाँ पे 4-5 है. अगर हम पहला कारण देखें तो हम बात कर रहे हैं डिस्पोजेशन की. तो डिस्पोजेशन ऑफ लैंड की जब हम बात करते हैं, यूजुअल आर्ग्यूमेंट्स होता है कि लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के कारण हमारे ज़मीन जो थे हमारे से छिन गए, चाहे हमारी वो खेती की ज़मीन हो या फॉरेस्ट एरियाज हो, और उस कारण से डिस्पोजेशन हुआ है. एक कारण तो ये है. दूसरा स्ट्रक्चरल डिस्पोजेशन है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ ही इस तरह के नहीं थी कि मैं अपने ज़मीन पर काम कर सकूँ. तो वो जो डिस्पोजेशन हुआ है मेरे लैंड का, वो एक्चुअली स्ट्रक्चरली जनरेटेड है. स्टेट के जो पॉलिसीज एंड स्कीम्स हैं उनसे जनरेटेड है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उससे जनरेटेड है, और इस कारण से मुझे वहाँ से पलायन करना पड़ा. तीसरा कारण जो काफ़ी ज़्यादा उभर के आ रहा है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में और इन ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वो है अपॉर्चुनिटीज़ का लुक्रेटिव ऑफर. कि अगर मैं किसी मेनलैंड के ऐसे सिटी में जाती हूँ जहाँ पे मुझे बेहतर काम मिल सके, रोज़गार मिल सके, पैसा, मनी इकोनॉमीज़, क्योंकि ट्राइबल इकोनॉमीज़ एसेंशली, खास करके अगर हम 20 साल 25 साल पहले देखें कि मणिपुर में क्या था, तो वो नॉन मनी इकोनॉमीज़ थी.
वहाँ पे मनी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, पर आज के डेट में मनी इज़ इम्पोर्टेंट। तो किसी भी तांगुल नागा का जो चीफ्टन है, जो हेड है, उससे जब हम बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे कि पैसा किस चीज़ से आ सकता है, आप ये हमें बताएं। मनी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, करेंसी इंपॉर्टेंट है, इसलिए माइग्रेशन हो रहा है। और चौथा जो होता है वो होता है अर्बनिज्म एंड द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट इट ऑफर्स। तो जो करंट जनरेशन है उसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है इन अ डिफरेंट लाइफस्टाइल व्हिच इज़ लेस ड्रजरी। माउंटेन इकोसिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है एंड दैट डज नॉट इज नॉट लुक्रेटिव फॉर एनीबडी एंड हेंस द न्यू जनरेशन इज माइग्रेटिंग। इसमें अगर हम रिफ्लेक्ट बैक करें तो हम एक्चुअली हमारे जो सेंट्रल हिमालयन एरियाज हैं वहाँ पे भी आपको यही ट्रेंड बहुत सालों से चलता आ रहा है। अगर हम उत्तराखंड और कुमाऊं के एरियाज में देखें तो यूथ का जो माइग्रेशन है वो काफ़ी सालों से बातचीत हो रही है, पर ये चीज़ आज पिछले 10-15 सालों में नॉर्थ ईस्ट के लिए भी काफ़ी ट्रू है, क्योंकि एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को बाहर निकलने के। अब अगर ये कारण है तो उसे वहाँ पे क्या लोकल इम्पैक्ट हो रहा है। मैं एग्जांपल लूँगी एक विलेज का, टुसोम करके एक गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। अगर हम अपने इधर के गांव देखें तो हमारे कम से कम 5-6 गांव के क्लस्टर मिलके टुसोम के साइज़ का गांव बताएंगे। उनके अंदर 24 पहाड़ आते हैं, वहाँ पे ज़मीन को पहाड़ों के नाम से नापे जाते हैं। तो उनके अंदर 24 पहाड़ आते हैं जहाँ पे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन उनका है। और वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का साइकिल होता है 2-3 साल, एक बार में वो एक पहाड़ में करते हैं, 3 साल बाद दूसरे पहाड़ में जाएंगे, उसके बाद तीसरे। तो जब तक मैं वो 24वें पहाड़ पे पहुंच रहे हैं तो उतना टाइम मिलता है फॉरेस्ट को रीजनरेशन के लिए। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुआ है, पर आज के डेट में अगर हम देखें तो ये मान्यता स्थापित हो चुकी है कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस और कल्चर पे डिपेंड करता है। तो मणिपुर के इस शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस को लेके विंसेंट डालोंग है, जो MOEF में भी थे काफ़ी दिन तक, अभी आरफैड में हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, इसको एस्टैब्लिश भी किया है, UN ने भी एक्सेप्ट किया है कि इकोलॉजिकली फ्रेंडली स्टाइल ऑफ कल्टिवेशन है। और इससे एक्चुअली आपको रीजनरेशन के कारण लोकल स्पीशीज की जो विभिन्नता है प्लांटेशंस के मुताबिक तो काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब अगर माइग्रेशन के कारण वहाँ पे मैं इम्पैक्ट देखूँ तो नागा कम्युनिटीज़ में कम्युनिटी एग्रीकल्चर होता है, दो बातें निकल के आती हैं। मॉडर्निटी के इन्फ्लुएंस के कारण वहाँ पे का उनका जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो कि एक विलेज काउंसिल होता है, मेंस काउंसिल होता है, तंखुल नागा एसोसिएशन होता है, उनसे अलग हटके वो हमारे जो मेन स्ट्रीम के गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कॉन्सेंट्रेट करने का कारण ये है, एक तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो पहले उनके पास नहीं था, क्लैन लैंड होता है वहाँ पर अब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रेस दे रही है। तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर लोग जाना चाहते हैं, माइग्रेशन करने के बाद भी आपकी उस ज़मीन पर हक बना रहता है, जो कि पहले नहीं होता अगर आप उस कम्युनिटी में नहीं बिलोंग करते हो। दूसरी बात है कि जब आप कम्युनिटी का जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर माइग्रेटिंग, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कितने विलेजेस में कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स बहुत हाई हो गया है, बिकॉज आपका जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है वो पूरा फॉलो आउट कर रहा है। फूड सिक्योरिटी नहीं है, जितना आपका प्रोडक्शन होता था पहले उतना ज़्यादा नहीं है, फॉरेस्ट डिपेंडेंस बढ़ गया है। तो अगर जैसे टुसोम के केस में 30% डिपेंडेंसी था ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और वो उनके लोकल फॉरेस्ट एरिया से मिल जाता था, आज के डेट में उनके लोकल फॉरेस्ट एरिया से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और उनको बर्मा बॉर्डर के पास जाके वहाँ से फॉरेजिंग करना पड़ रहा है। सो उनका एवरेज 2-3 डेज लगता है, वो फॉरेजिंग का जब ग्रुप जाता है वापस आता है उनको 2-3 दिन लग जाता है उस प्रोसेस में। 30% से 65-70% डिपेंडेंसी ऑन फॉरेस्ट हो गया है और एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी घट गया है। सो हो क्या रहा है कि इस माइग्रेशन के कारण पुशिंग द कम्युनिटी टू अडॉप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइवलीहुड पैटर्न ही चेंज हो गया। आपका लोकल कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया, जो लोकल मार्केट एक्सेस में प्रोडक्ट्स थे वो चेंज हो गए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स NTFPs आर बीइंग इंक्लूडेड मोर, टिम्बर कॉन्ट्रैक्टिंग इज ऑन एन इंक्रीज।
तो काफ़ी सारे शिफ्ट्स वहाँ पे लोकल एरिया में आए हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के लोकल इकोलॉजी और इकोनॉमी पे. इसमें एक और बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मुझे मेंशन करना कि वहाँ का अगर हम लोकल इकोनॉमी देखें, हम में से काफ़ी लोग उधर गए भी होंगे शायद, पर मणिपुर का जो एरिया है वहाँ पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट, जो नागालैंड का मूवमेंट है, वो काफ़ी पीक पे रहा है, आज के डेट में भी एक्टिव है. और उसके कारण और जो इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो नागाज और कुकीज के बीच में हो या फिर नागाज के अंदर ही डिफरेंट फ्रैक्शंस के कारण हो, तो नागाज के अंदर 44 फ्रैक्शंस हैं उस तरह से, वहाँ के और बाकी 48 ट्राइब्स हैं. और आज के डेट में अगर हम वहाँ का लोकल पॉलिटिक्स देखें, हर फ्रैक्शन का एक मिलिटेंट ग्रुप है. तो आप सोच लें कितने मिलिटेंट ग्रुप्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. और ये मिलिटेंट ग्रुप्स ऐसे नहीं हैं जो अंडरग्राउंड काम करते हैं. एक बहुत ही कॉमन वहाँ पे लिंग्विस्टिक तरीका यूज़ किया जाता है कि वी वर्क अबव द ग्राउंड ना, तो वो अपने आप को अंडरग्राउंड नहीं कहते, वो कहते हैं हम ज़मीन के ऊपर से ही काम करते हैं, हम छिप छिपा के नहीं काम करते. और ये बहुत ही क्लोजली एम्बेडेड है उनके पॉलिटिकल सिस्टम में, चाहे उनका लोकल हेडमैन्स काउंसिल हो. मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको कुछ बना के दिखा सकूं और वो मिस कर रही हूँ मैं, पर उनका जो काउंसिल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि हर विलेज में क्लैंस होते हैं. तो अगर 4 क्लैंस हैं तो हर क्लैन हेड मिलके एक विलेज लेवल काउंसिल बनाता है और उस विलेज का एक हेडमैन होता है, और हर विलेज का जो हेडमैन है फिर वो एक हेडमैन काउंसिल बनाता है. सो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज, बिकॉज ऑल दीज क्लैन हेड्स और ये जो विलेज हेड्स हैं ये इलेक्टेड होते हैं. तो और वो ज़रूरी नहीं है कि वो पास ऑन हो फादर टू सन. तो वन इज़ दैट, सो दैट इज़ वन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. उसके अंदर ही उनके ज़मीन का भी गवर्नेंस आता है. सारे डेवलपमेंट्स जो होते हैं, चाहे वो कम्युनिटी के लिए हो, इंडिविजुअल हो, इन काउंसिल्स के थ्रू ही अप्रूव होते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें रिजॉल्व होते हैं, चाहे वो ज़मीन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो, एक ने दूसरे की ज़मीन पे कुछ काम कर दिया या फिर ऐसा हो, वो रेजोल्यूशन भी ज़मीन पे होता है और इन काउंसिल्स के द्वारा होता है. और दूसरा पैरेलल सिस्टम है हमारा इलेक्टोरल सिस्टम, जहाँ पे उनके ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं जो अब बन रहे हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं. और अदरवाइज हमारा जो पैरेलल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड जस्टिस है, तो ये एग्जिस्ट करता है वहाँ पे. अगर हम इन मिलिटेंट ग्रुप्स की बात करें तो वो इन सारे काउंसिल्स और फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में उनकी प्रेजेंस आपको मिलेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज के डेट में. एंड दिस इज समथिंग विच आई कोट डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑफ द इंटरव्यूज जो मैंने इंटरव्यू किया था, वहाँ से कोट कर रही हूँ कि हर एक व्यक्ति जो खड़ा होता है वहाँ के लोकल इलेक्शंस में, 2012 में हर एक व्यक्ति ने 2.5 से 5 करोड़ दिया था एक एक मिलिटेंट ग्रुप को, तुम मुझे सपोर्ट करो. और विलेज के जो वोट्स होते हैं वो उसी तरह से मोबिलाइज होते हैं फॉर्मल सिस्टम में. जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वहाँ पे वो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस यूज करते हैं, वहाँ पैसा नहीं चलता. बट ये जो है ये इतना डीप नेस्टेड है, और इन सारी चीज़ों की फंडिंग जो है आज के डेट में, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा कंसर्न है, वहाँ का टिम्बर माफिया इज अ बिग सोर्स ऑफ फंड्स फॉर सच मिलिटेंट ग्रुप्स, स्पेशली फॉर NSCM, बोथ KNIM. तो जो वहाँ की लोकल इकोलॉजी और चेंजिंग इन लिविंग पैटर्न्स जो है वो काफ़ी पॉलिटिकल एरिया में भी अपना इम्पैक्ट शो कर रहा है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में पहले एक्सेस ही नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन भी लिमिटेड था, पर जैसे जैसे डिपेंडेंसी बन रहा है लोग खोज रहे हैं लाइवलीहुड के नए अपॉर्चुनिटीज़. और बहुत ही नॉर्मल है अगर हम माइग्रेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसे नए अपॉर्चुनिटीज़ के तरफ लोगों का रुझान आएगा, क्योंकि और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. अब हम इम्पैक्ट के साइड आते हैं. दो चीज़ें जो बाहर निकल के आती हैं, एक है आउट माइग्रेशन और दूसरा है इन माइग्रेशन. मणिपुर के केस में दोनों चीज़ें होती हैं, आउट माइग्रेशन भी और इन माइग्रेशन भी.
आउट माइग्रेशन का जो फिनोमेना है वहाँ पे, उसके बारे में हमने बातचीत की. इन माइग्रेशन जो वहाँ पे हो रहा है वो बेसिकली लेबर क्लास का होता है. तो वहाँ पे आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो हमारे ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं और वहाँ पे माइग्रेट करते हैं फॉर लुकिंग फॉर जॉब्स. अगर हम मणिपुर की हिस्ट्री देखें तो बंगाल से बहुत क्लोज कनेक्शन था मणिपुर का. इनफैक्ट जब हम 1861 के आसपास की बात करें तो वहाँ पे बंगाली स्क्रिप्ट भी यूज़ किया जाता था. अभी बहुत रिसेंटली वहाँ पे मणिपुरी स्क्रिप्ट आया है. तो उनके जितने भी आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेंगे वो सारे बंगाली में होते हैं. तो एक इन माइग्रेशन का एक बहुत क्लियर इम्पैक्ट जो वहाँ पे हुआ है, जो वहाँ पे 1800 से ही शुरू हुआ था. अगर हम बात करें मणिपुर ज्योग्राफी और कल्चरल डिविजन्स की, तो बहुत क्लियरली वैली और हिल का डिवीजन है. वैली में मैतेईज रहते हैं हु हैव एक्सेस टू पावर गवर्नमेंट पोजीशंस. उनका जो सीएम है वो भी इस ग्रुप को बिलोंग करता है. पुलिस के जो मेजर कैडर पोजीशंस हैं वो मैतेईज ऑक्यूपाई करते हैं. तो काफ़ी पावरफुल ग्रुप है वहाँ का मैतेईज. और दूसरा जो कम्युनिटी है वो हिल कम्युनिटीज़ है. हिल कम्युनिटीज़ जो हैं वो हमारे सारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, चाहे वो नागाज हों, कुकीज हों और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं. अब इन दोनों में डिफरेंस जो कि बहुत क्लियरली निकल के आता है कि 1800 सदी में जब बंगाल और मणिपुर जो वहाँ के राजा थे उन्होंने एक बंगाली पंडित को इनवाइट किया था. एंड दैट इज़ हाउ द होल स्टोरी गोज इन द आर्काइव्स ऑफ मणिपुर कि वो पंडित आया और वहाँ पे पहली बार हिंदुइज्म का इंट्रोडक्शन हुआ था. तो मैतेई सोसाइटी जो रिलीजन फॉलो करती है वो हिंदुइज्म है. इनफैक्ट उनका जो अंडरस्टैंडिंग है ब्राह्मणिज्म का वो यहाँ से भी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है और वो उनकी डेली प्रैक्टिस में विजिबल है. अगर एथनोग्राफिकली मैं बात करूँ तो कोई भी हाउसहोल्ड की महिला बिना सुबह स्नान किए हुए खाना नहीं बनाती किचन में, ना ही एंटर करती है. ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स में ही इंटरैक्ट करते हैं. कभी वो लोअर कास्ट में ना तो उनका कोई कल्चरल सेरेमनीज होगा और ना ही कोई इंटरेक्शन रहता है. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्राह्मणिकल सोसाइटी मैतेईज के केस में. और बाकी कास्ट भी वहाँ पे आपको इक्वली रेप्लिकेट होंगे. और ये सारा जो पॉसिबल हो पाया वो उस टाइम में जो बंगाल और मणिपुर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा था उस टाइम में हुआ था. इसी टाइम में वहाँ पे 1835 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट किया गया था और उसका काम ये था, नॉर्थ ईस्ट वाज सीन एज अ फ्रंटियर, फ्रंटियर लैंड था वो. फ्रंटियर का मतलब क्या होता है अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सोचें तो फ्रंटियर वो एरिया है जिसके बारे में आप ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं पर उसमें आपका पॉलिटिकल एडवांटेज बहुत स्ट्रांग है. अगर मैं बहुत ही संक्षेप में बिल्कुल उसको निचोड़ के और रिड्यूस करके उसको बोलूं एक लाइन में तो ये, तो फॉर द ब्रिटिश उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था ये समझना कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जो कभी दे नेवर गेव इन टू द पावर ऑफ द ब्रिटिश. इनफैक्ट सबसे ज्यादा लड़ाई वहां के नागास ने की थी. वहां पे हमेशा एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट रहा, कभी वहां पे वो ब्रिटिश टेरिटरी नहीं बन पाया. इनफैक्ट 1850s में वहां पे जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था उसको असैसिनेट भी किया गया था और वहां पे नए ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को अपॉइंट किया गया था. तो ब्रिटिश जो कोशिश कर रहे थे वहां पे उनको सिक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज वो फ्रंटियर लैंड को उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी. अगर मेन लैंड इन्फ्लुएंस ज्यादा आ जाता तो यहाँ की जो आबो हवा थी उस समय की वो वहां पहुंच जाती. राजा की जो वहाँ पे उस समय राजा थे उनकी कोशिश ये थी कि किस तरह से ब्राह्मणिज्म और हिंदू सोसाइटी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए. तो ये जो कश्मकश है
वो इन माइग्रेशन वहाँ पे आपको आज के डेट में उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस और उनके लाइवलीहुड का जो ऑप्शंस है, जो उनका प्रोफाइल बना है उसमें दिखता है, ब्यूरोक्रेसी में, लिटरेचर में, एकेडमिक्स में मैथिस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, जो कि यहाँ पे बाकी पार्ट में भी हुआ था कि अपर कास्ट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता था इन पोजिशन ऑफ पावर ड्यूरिंग दोज टाइम्स, तो वो रेप्लिकेट होता था वहाँ पे, और वो कॉन्फ्लिक्ट आज के डेट में भी चल रहा है बिटवीन वैली पीपल एंड हिल पीपल, वो खत्म नहीं हुआ है, वो पावर होल्ड इज स्टिल ऑन. एंड देन आई गेट बैक टू माई क्वेश्चन ऑफ पोलिटिकल इकोलॉजी, क्योंकि पोलिटिकल इकोलॉजी आपको ये पावर स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये ऑप्शन देता है कि आप कैसे इकोलॉजी और पावर को लिंक करो, कैसे माइग्रेशन और पावर को लिंक करो. I understand context important है, otherwise नहीं तो आगे भी थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में. मणिपुर के केस में apart from people who have migrated outside, it is very neat. In fact, in social structure, वहाँ का जो social structure है आपको बहुत clearly दिखेगा hill और valley में difference. In fact, मेरे कुछ बहुत close friends हैं जो मैतेईज हैं, और क्योंकि वहाँ का सिचुएशन इतना वॉलेटाइल है, कॉन्फ्लिक्ट इतने सालों से रहा है, और ये सारे फ्रेंड्स सोशल वर्कर्स हैं, मेरे क्लासमेट्स थे टिस में, दे हैव नो क्लू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन उकरूर, लिविंग इन द सेम स्टेट सोशल वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द वैली, पर आज तक वो उकरूर नहीं गए, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज इतनी स्ट्रांग है कि मैतेई कम्युनिटी में हिल प्लेसेस आर नॉट सेफ टू गो, यू डोंट गो टू दोज प्लेसेस. सो कल्चरल एक्सचेंज बहुत ही लिमिटेड है, एंड दैट इज व्हाई द डिवाइड इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज व्हेन यू डोंट नो द अदर तो आपका डिवाइड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. तो कल्चरली भी बहुत डिफरेंट है. आज के डेट में अगर हम हिल में देखें, वहां पे डोमिनेंट रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी है, वेदर द बैप्टिस्ट चर्च और कैथोलिक चर्च, क्योंकि वहाँ पे जो पहला क्रिश्चियनिटी का इंट्रोडक्शन हुआ था वो 1650 में हुआ था बाय द बैप्टिस्ट चर्च, और हिंदुइज्म वैली एरियाज में आया है. ऑल्दो देयर इज अ स्टोरी दैट गोज बैक, और ये जो अगर कुछ लोग नागास के ऊपर काम किए हैं तो आप लोग जानते होंगे, एक प्रोमिस्ड लैंड, जैसे हम ज्यूज के बारे में जानते हैं वैसे नागास का भी एक थ्योरी ऑफ प्रोमिस्ड लैंड है, विच इज द नागालैंड दैट दे नाउ टॉक अबाउट. और उसकी जो स्टोरी है उसमें दो चीज़ें, और थोड़ा सीरियस हो रहा है तो ये लाइट, द लाइटनेस ऑफ इट, आई विल आल्सो लाइक टू टेल यू दीज स्टोरीज, देयर टू स्टोरीज विच आर वेरी इंटरेस्टिंग. कहते हैं कि नागाज और मैतेई दो जो मेन ट्राइब्स हैं वहाँ के, वो भाई भाई थे और वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते थे, और उनके पिताजी ने उनको ये ऑप्शन दिया था कि तुम लोग दोनों साथ में मिलके काम कर लो, आधा तुम जमीन हिल का ले लो, आधा तुम जमीन वैली का ले लो, और दोनों भाइयों में इक्वल डिवीजन, दोनों भाइयों में लड़ाई होगी कि कौन कौन सा पार्ट लेगा. जो हिल वाला था उसने बोला कि तुम वैली का ज्यादा जमीन ले रहे हो, तुमको क्या लगता है कि तुम ज्यादा जमीन ले लोगे तो ज्यादा डेवलप करोगे, जाओ तुम वैली लो और मैं हिल में रहूंगा, एंड आई विल मेक हिल माई होम, एंड दैट इज द ओरिजिन ऑफ नागास एंड मैतेईज डिविजन. सो ओरिजिनली अगर आप देखें तो हिस्ट्री एंड फोकलोर सेज दैट दे आर कनेक्टेड, बट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट देयर इज नो एक्सचेंज. ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू सी कि वहाँ पे जो बाकी ट्राइब्स हैं, से फॉर एग्जाम्पल कुकीज, अगर आप किसी मारम नागा ट्राइब से बात करेंगे मणिपुर में, जो कि सेनापति डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, तो वो क्लियरली बोलते हैं कि कुकीज हमारे जमीन पर आके सेटल हुए हैं. That is the conflict between the two communities. वो in migration के कारण, वो जो 92 और 95 के बीच में नागा कुकी conflict हुआ था, वो जमीन को लेके हुआ था, resources को लेके हुआ था. That was the key premise on which the conflict was based. And what they say is that, and this is what they, तो नागास में कहा जाता है कि
अगर नागा और नागा में लड़ाई होगा तो उनका एक स्वेरिंग सेरेमनी होता है. एंड दिस इज द सेकेंड स्टोरी कि एक ग्लास पानी में पानी लेते हैं वो, और जिस जमीन के लिए, मान लीजिए आप भी नागा और मैं भी नागा, आपने बोला ये मेरी जमीन है, मैंने बोला ये मेरी जमीन है, हम दोनों उस जमीन का एक चुटकी चुटकी मिट्टी लेके ग्लास में मिला देंगे और पी जाएंगे. जो झूठ बोल रहा है वो एक हफ्ते के अंदर मर जाए. तो देयर वेज ऑफ रेजोल्यूशन इज एज सिंपल एज दिस. बट द कुकीज सेड नथिंग डूइंग, आई एम नॉट ड्रिंकिंग योर वाटर, मैं क्यों पीऊं तुम्हारा पानी, ये जमीन पे आके मैं रह रहा हूँ और ये जमीन अब मेरी हो गई है. एंड कुकीज आर वेरी इंडस्ट्रियस पीपल. तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दे हैव कम्प्लीटली कन्वर्टेड मेजर हिल ट्रैक्स इनटू यू नो प्लांटेशंस ऑफ स्प्रिंग अनियन, प्लांटेशंस ऑफ पाइनएप्पल, प्लांटेशंस ऑफ एलोवेरा, दे आर वेरी इंडस्ट्रियस. तो एक और चीज़ जो हमारी, हम अगर याद करें तो माइग्रेंट कम्युनिटीज यूजली आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड यू सी दैट इट इज विजिबल इन देयर. एंड नागाज आर वेरी ईजी गोइंग, दे डोंट बॉदर मच. आफ्टर 6 o'clock इट्स ड्रिंक्स एंड बींग मैरिड. Their economy is very subsistence. They produce as much as they need. Market connectivity 5 साल 10 साल पहले zero था उनका. Local exchange होता था सिर्फ. तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो nature भी different है, culturally भी different है, और stake और claiming दोनों का बराबर है एक ज़मीन के ऊपर, जिसके basis पे ये conflict हुआ था. So in-migration has actually fueled the conflict. एक तो secessionist movement था ही है वहाँ पे. पर इंटर ट्राइब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बिकॉज ऑफ क्लेम्स ऑन रिसोर्सेज फ्यूल अप हुआ है, और उसके कारण जो इम्पैक्ट आया है वो डायरेक्ट इकोलॉजी पे आया. क्लेमिंग ऑफ लैंड मीन्स दैट यू डोंट लीव इट ओपन, यू नो यू एस्टैब्लिश योर बाउंड्रीज, उसको आप टेम करेंगे, डोमेस्टिकेट करेंगे, देन इट बिकम्स योर लैंड. सो हिल ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट वे कम्प्लीटली टेकन अलॉन्ग एंड कन्वर्टेड इन टू एग्रीकल्चरल लैंड, और ये आपको बहुत क्लियरली वहाँ पर विजिबल होगा. इनफैक्ट आज के डेट में अगर हम देखें तो बर्मा और मणिपुर के बीच में जो फॉरेस्ट ट्रैक्ट है, इट इज़ वन ऑफ द थिकेस्ट फॉरेस्ट ट्रैक्ट इवन इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिचनेस इन इंडिया टुडे, बट इट इज़ डेस्परेटली गोइंग डाउन बाय द डे. वन वेरी गुड एग्जाम्पल इज वहाँ का जो इकोनॉमी चेंज आया है. माइग्रेंट कम्युनिटीज जो वहाँ पे आए हैं उनको पता था कि जिनसेंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. नागास उसको सिर्फ अपने लोकल मेडिसिन में यूज करते थे, पर जिनसेंग को माइग्रेंट कम्युनिटीज ने खोद के निकालना शुरू हुआ. अगर ये है जिनसेंग का एक रूट का साइज, तो उसमें रिंग्स होते हैं, जैसे हमारे हल्दी में रिंग्स होते हैं वैसे ही जिनसेंग के रूट्स में भी रिंग्स होते हैं. एक रिंग को बनने में कम से कम 5 साल से लेके 15 साल लगता है. तो अगर इसमें 5 रिंग है तो इसका मतलब इसका मिनिमम एज 25 years है. एंड यू वोंट बिलीव इट, 2010 में जो उनका जिनसेंग सेलिंग प्राइस टू बर्मीज ट्रेडर्स वाज 250 rupees केजी, एंड 2014 when I finished my data collection in the area for the research that I was doing, unka jo price tha, that was to 2,750 rupees per kg, which is still way below the international market. Unko idea hi nahi hai ki wo kya bech rahe hain aur kisko bech rahe hain, kis price pe bech rahe hain. Par wo local ecology jo hai wo khatam ho rahi hai, jo forest bar, ab ginseng ke around jitne bhi plants grow karte the wo ab grow nahi karte hain. Rhododendron is one tree which Manipur State Department, you know, the Horticulture Department has tried to plant it and failed again and again for 15 years. And the reason that it does not grow there is because rhododendron ka jo beej hota hai, usko pehle bakri ko khana hota hai. Aur uske baad usme se ped nikalta hai. Ab logon ne livestock rakhna hi band kar diya. To wo rhododendron aage kaise badhega? वो वहीं पे ख़त्म हो गए. उनको फिर कनेक्ट कराने के लिए उत्तराखंड के कुछ जो हमारे जान पहचान के लोग थे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उन्होंने जाके ये वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया, तब वो प्रैक्टिसेस दोबारा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. तो द काइंड ऑफ माइग्रेशन एंड चेंजेस इन लोकल पॉलिटिकल इकोनॉमी दैट हैज़ हैपेंड,
that has completely shifted the ecology in the region. And it has gone for a toss. And it is very clearly visible now. Still, Manipur is not a hopeless case. The kind of agro-biodiversity, jo unka agricultural or forest biodiversity, wo itna rich hai ki aaj ke date mein hame pata bhi nahi hai ki unke forest mein kitne prakar ke species milte hain. Wo abhi tak documentation complete nahi hua. To bahut zyada potential hai us area mein aur kaam karne ki zarurat hai. Which brings me to the next question of the state. Now, what happens? Who works for it? तो अगर हम किसी भी माइग्रेशन का जो कॉन्टेक्स्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्टेक्स्ट हो, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही हो, एनवायरनमेंट की बात हो रही हो, इन सारे कॉन्टेक्स्ट को अगर हम एक साथ निकालें तो दो तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पर सबसे ज़्यादा काम करते हैं. या तो वो स्टेट होगा और नहीं तो एनजीओज होंगे. और मणिपुर में भी यही स्टोरी है. वहाँ पर जो स्टेट है वो काम करने की कोशिश तो कर रहा है, बट द एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टेट इज मिसिंग, स्पेशली इन द हिल कम्युनिटीज. तो आज के डेट में अगर आप वहाँ का फॉरेस्ट कंपेंडियम उठा के देखें तो उसमें बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइड है जीपीएस मार्क्स से कि कौन सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड है, कौन सा रेवेन्यू लैंड है, कौन सा पब्लिक लैंड है. बहुत क्लियरली माउंट है. बट द मोमेंट यू गो इन द फील्ड यू विल नॉट बी एबल टू डिमार्केट द प्रेजेंस ऑफ स्टेट. स्टेट वहाँ पे एब्सेंट है when it comes to the ground. And ये बहुत clearly निकल के आता है कि, और ये मैं अपने research experience से बोलूँगी कि जब हम research करने जाते हैं तो हम खोजते हैं कोई एक inroad कि हम कैसे अंदर जाएं ताकि हमारा जो identity है वो balanced रहे for the perceiver, क्योंकि हम इधर के भी नहीं दिखना चाहते हैं, उधर के भी नहीं दिखना चाहते हैं, neutral कैसे रहे. तो एक सजेशन जो एक नागा हेडमैन ने मुझे दिया था, और वो हेडमैन ने ये सजेशन थैंकफुली ही गेव इट टू मी बिकॉज ही वाज आल्सो माय क्लासमेट एट टीआईएसएस. एंड उन्होंने ये सजेशन दिया कि तुम कुछ भी कर लो, तुम चाहे बस में बैठ के आ जाओ, कोई भी गवर्नमेंट या फोर्स के व्हीकल में बैठ के मत आना. अगर तुम बैठ के आओगे तो विलेज में तुम्हें डेटा तो मिल जाएगा पर रिलायबिलिटी वो गवर्नमेंट डेटा जितनी ही रहेगी. तो सो द स्टेट एक्सेप्टेंस. एंड देन उसके अलावा एक और चांस है कि आपको बम से उड़ा दिया जाएगा रास्ते में. तो दैट इज द अदर एक्सट्रीम ऑफ इट. बट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड द काइंड ऑफ एक्सेस ऑफ द स्टेट इन द एरिया इज वेरी लिमिटेड. एंड दीज आर यू नो ओनरशिप, द ओनरशिप ऑफ दिस हैज बीन टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. दे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं दैट इट्स अ फजी राउंड फजी प्लेस व्हेन इट कम्स टू डिमार्केटिंग बाउंड्रीज. दे आर ट्राइंग बट इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट. एंड सो कम आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ हेट्रोजेनाइटी ऑफ द स्टेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मणिपुर कैडियर में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हिल कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं. और आप देखेंगे कि इनरोड्स ऑफ द स्टेट कैसे बनाए गए हैं in hill communities, and it is fascinating to say the least the kind jis tarah se wo politics play out hua hai, or positive politics, not in any negative terms. Wahan pe women's association jo hai, so there is no difference between public and civil society in Manipur Hills. Every member of the household is member of one or the other association which is politically geared, chahe wo youth ho, bachcha ho, woman ho या फिर मैन हो. वहाँ का जो तांगखुल विमेंस एसोसिएशन है और वो काफ़ी एक्टिव रहता है. इनफैक्ट पीस प्रोसेसेस में उनका बहुत मेजर रोल भी है. आईफैट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे प्लान हुआ था मणिपुर में, दो डिस्ट्रिक्ट में, एंड विच वाज अ गेम चेंजर फॉर बोथ एनईसी एंड डोनर, विच वाज द नरकॉम प्रोजेक्ट, द अप हिल्स एरिया प्रोजेक्ट. ये शुरुआत तीन स्टेट्स में एक साथ किया गया था, मणिपुर में सेनापति और उखरुल डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे थे. और स्टेट का जो रोल है वो मैं इन सॉलिडारिटी इनिशिएटिव्स को लेके देखना चाहूँगी, क्योंकि इससे आपको क्लियरली पता चलता है कि इंटरवेंशन कैसे हो रहा है, इनरोड्स कैसे बन रहे हैं. द फर्स्ट ग्रुप्स विच वेर फॉर्म्ड, जो हम विमेन ग्रुप्स बनाते हैं गाँव के स्तर पर, वो तांगखुल नागा विमेन्स एसोसिएशन को दिया गया था ये काम कि वो बनाए विमेन्स ग्रुप, क्योंकि वो लोग जानते हैं वहां का लोकल कॉन्टेक्स्ट.
जब ये विमेंस ग्रुप बन रहे थे सरकार ने करीब 5 साल इन्वेस्ट किए थे टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस प्रोजेक्ट का ढांचा क्या होना चाहिए. पहला फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज क्लोज टू 300 crores विच वॉज मेड. सो मनी वॉज रियली पम्प्ड इन. और पहले फेज में जब तांखुल छिनाव लॉन्ग जो कि विमेंस एसोसिएशन है वहाँ का, उन्होंने जब ये विलेज लेवल ग्रुप्स बना दिए विमेंस ग्रुप के, उसके बाद वहाँ पे एक स्टेट सोसाइटी बनी गई जो विच वॉज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड प्रोफेशनल्स वेर रिक्रूटेड ऑन इट. उखरुल का जो स्टेट सोसाइटी था और सेनापति का जो स्टेट सोसाइटी था, दोनों के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग है बिकॉज उखरुल इज डोमिनेटेड बाय तांखुल नागस. द डिजाइन एंड द प्रोग्राम्स दैट वर रन वाज इन लाइन विद व्हाट द तांखुल नागा कल्चर वाज. And similarly with Senapati, it was dominated by maitais and cookies. और वहाँ पे आपको वो दिखेगा structural difference. जो heads of the institutions choose किए गए थे वो इन्हीं background से choose किए गए थे. The head of the institution who was Mr. Vashum, he is a very dear person and a great person who has done wonderful work in Ukrul. He belongs to Tankul Naga community. And he is one person who has access to the state government. He has access to the militant groups because he maintains that kind of a relationship. He has access to Tankul Shanao Long. He has access to the youth groups. And he was the leader of the project in the district. So it is very, जो आप लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, जिस तरह का आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो बिल्कुल लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बना रहे हैं. आज के डेट में अगर रोड बंद होता है मणिपुर में, कोई व्हीकल नहीं जा सकता सिवाय आईफैड के व्हीकल के. एंड दैट इज द लेवल ऑफ डिफरेंस इन ट्रस्ट दैट यू एस्टैब्लिश्ड, ऑल्दो इट इज स्टिल हेडेड बाय द डीएम. सो दोज आर द काइंड्स ऑफ इनरोड्स वेयर एनजीओज हैव बीन एबल टू मेक अ डिफरेंस. एंड व्हेरेवर दे गॉट स्टक, चर्च बिकेम एक्टिव. So religion and community were the two grounds which brought people together. Chahe wo wahan ke in-migrants ho ya local indigenous communities ho. Agar hum project design aur ecology ki baat kare to unka project design do parts mein equally divided hai. Livelihoods and nature. Wo ek area ko protect karte hain aur dusre area mein package of practices jo hum agriculture mein bolte hain wo introduce kar rahe hain. And interestingly, both are doing very well. In areas जहाँ पे hunting के कारण animals extinct हो गए थे, वहाँ पे you have animals who are coming back to those areas. So it is a very, you know, if in one line I say whether there is an impact on the ground, then there are two propositions which come up very clearly. One, the acceptance and inroads have been made possible through the project, and second, clear impact on livelihood and opportunities. And the ecology. So this is one example of a solidarity economy initiative which has actually worked in an area where there was lot of migration conflict, and conflict not just between communities but also conflict with the nature. The second example, and I'll be quick with this, do we have how much time do we have? So the next example is in case of Orissa. And I move here with regard to the Kutia Khons and the Dogande Pungaria Khons community. So Orissa is one state जिसमें displacement को लेके काफी सारे research studies हुए हैं, खास करके mining projects को लेके, and the impact on tribal communities have been very very high. चाहे वो आप कोल एंड आयरन ओर प्रोजेक्ट्स को देखें या फिर लेटली बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट्स को देखें. इन 2012 द स्टेट हैड ऑलरेडी साइंड 46 एमओयूज ऑफ बॉक्साइट माइनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओरिसा. नाउ इफ आई जस्ट गो ऑन टू डेटा विथ रिगार्ड टू ओरिसा, द इंडिजिनस माइग्रेशन दैट हैज हैपेंड इन ओरिसा इज एक्चुअली ऑन अ राइज, बढ़ रहा है वो. और
दो तीन चीज़ों के कारण बढ़ रहा है उस पर हम जाएंगे, पर इंडिजिनस माइग्रेशन एक्चुअली इंक्रीज पे है, 24% से 27% हो गया. अगर हम पावर्टी लेवल्स भी देखें तो साउथ उड़ीसा में आपको सबसे ज़्यादा पावर्टी लेवल्स हाई दिखेगा. इनफैक्ट 80% ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इज अंडर एक्सट्रीम पावर्टी इन साउथ उड़ीसा. एंड इफ यू लुक एट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक माइनिंग, their location is also, you know, coinciding with this poverty and dispossession. So the impact is very clearly visible. जो dispossession का हमारा clause है वो clearly दिखता है वहाँ पर, जिसके कारण आपके livelihoods पर impact आया है, health पर impact आया है, nutrition levels have really gone down in South Odisha. And when I talk about Odisha, in this case I'll be talking about Raigada district. And I choose Raigada for two reasons, two very important case studies of displacement that are currently active and in discussions right now. The Vedanta case, which everybody is aware about, and the Utkal Alumina project, jo Bafli Mali pe hua. The third thing which is very, very important with regard to Odisha is that South Odisha is also the border area between Andhra Pradesh and Odisha, right? So Naxalite movement ka impact sabse zyada aapko is area mein dikhega. To ye do teen cheeze hain jo wahan ka context banati hain. Political ecology mein sabse pehla step hota hai ki hum identify karte hain ki aapke institutions aur actors kaun kaun hain. No, so when फ्रांसिस क्लीवर जो कि अभी एनएससी में है, वो पॉलिटिकल इकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट की बात करती हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रिकोलॉज. व्हाट डू वी मीन बाय अ ब्रिकोलॉज? व्हाट शी मीन्स इज कि किसी भी कम्युनिटी का या कॉन्टेक्स्ट का जो डायरेक्शन डिसाइड होता है वो कभी अस वर्सेस देम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता. इट्स नॉट बाइपोलर इन नेचर, इट इज़ नॉट टू अपोजिट पोल्स. We are talking about multiple institutions and multiple actors जो अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं. एंड नोबडी इज अ फूल हियर. जहाँ तक जिसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से वो स्ट्रैटेजिकली अपने आप को मैनूवर करते हैं. सो आई माइट फील पोलिटिकली लेस अवेयर देन यू, बट टू माई बेस्ट ऑफ नॉलेज आई विल ट्राई टू स्ट्रैटेजिकली मैनूवर माई सेल्फ so that I come to power, and which is what happens in any institutional context, and which is also what is true for Odisha. Agar hum political alignments ko bas main highlight karu in areas mein, to ek bahut clearly jo hai anti displacement movement, anti mining movements yahan pe active rahe, jo ek group of cohort keh sakte hain. And that is also not unified, that is very divided. In fact, उसमें अगर आप सौरा हैं या कुटिया खोन्स हैं या डोगरिया खोन्स हैं तो आप अलग अलग तरीकों से अलाइन करेंगे इन एंटी डिस्प्लेसमेंट एंटी माइनिंग मूवमेंट्स. एंड देन देर आर पोलिटिकल ग्रुप्स. और अगर हम देखें इन दोनों का इंटरेक्शन सिर्फ, तो कोई भी एंटी माइनिंग मूवमेंट चाहे वो UAIL का हो या वेदांता का हो, किसी एक पार्टी के साथ कभी अलाइन नहीं किया उन्होंने. यू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल विथ विच एवर पार्टी इज इन पावर एंड विच एवर इज इन ऑपोजिशन, एज सिंपल एज दैट. एंड दे डू इट वेरी वेरी विजिबली, दिखता है उनके स्ट्रैटेजी में, और वो एक्सेप्ट भी करते हैं ये चीज़ को, बिकॉज दैट इज हाउ यू पोलिटिकली नेगोशिएट योर क्लेम एंड यू शो योर डिसेंट. बिफोर आई मूव ऑन, डिसेंट के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, पर डिसेंट में जो चीज़ एक मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि डिसेंट एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डिसेंट इज डिपेंडिंग ऑन द वन विच होल्ड्स पावर. सो गवर्नेंस के केस में डिसेंट एक पर्टिकुलर लेवल तक हर गवर्नमेंट या अथॉरिटी पोजिशन अलाउ करता है, बिकॉज दैट इज वॉट गिव्स यू द अथॉरिटी एज वेल. If you squash that place of dissent, then your chances of your authority being questioned is high. इसलिए आप कुछ leverage दे देते हैं
कि हाँ जंतर मंतर पे बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, हम आपको वहां से उठाएंगे नहीं. तो दैट इज यू नो देयर इज अ परमिसिबल लेवल ऑफ डिसेंट एंड आफ्टर अ पॉइंट यू कट ऑफ दैट डिसेंट, क्योंकि आपको एक स्टेट सब्जेक्ट बनाना है. आपकी सब्जेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो. जब वो उसके बियॉन्ड जाने लगेगी तब मैं मुझे प्रॉब्लम होने लगेगी, तब मैं रोकूंगी. सो डिफिनेशन ऑफ सब्जेक्टिविटीज एंड डिसेंट इज वेरी इंटरकनेक्टेड एंड इज वेरी वेरी विजिबल इन दिस केस. कि आप एंटी माइनिंग मूवमेंट्स जो वहाँ के देखेंगे, जिनके कारण डिस्पोजेशन और आउटबर्स्ट हो रहा है, उसमें अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसेंट वॉज परमिटेड अंटिल द ईयर 2000. 2000 वॉज द कट ऑफ दैट हैपेंड इन केस ऑफ साउथ ओडिशा एंड पर्टिकुलरली रायगढ़. 2000 में वहाँ पे एक शूट आउट हुआ था जिसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी. उसके बाद से द स्टेट एंड द मूवमेंट बिकेम लाइक दिस, टू ऑपोजिट पोल्स. दे नेवर केम टुगेदर, ऑल्दो देयर वर टॉक्स एंड नेगोशिएशंस, बट दे वर ऑलवेज ऑपोजिटली पोस्ट. सो डिसेंट एंड नो एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेंट इज ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल. लेट अस रिमेंबर दिस पॉइंट एंड देन मूव फॉरवर्ड ऑन दिस. आज के डेट में अगर हम माइग्रेशन का क्वेश्चन देखें उड़ीसा के केस में, तो जो बात हमने मणिपुर में देखा था, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उड़ीसा का कॉन्फ्लिक्ट सेम है, बट जो मेजर क्लॉज है वो आपको सिमिलर लगेगा. रीजन बीइंग जो इंटर कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट भी मल्टीपल लेवल्स पे होता है. एक तो इंटर कॉन्फ्लिक्ट होता है विद इन कम्युनिटीज, एक होता है इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज, एंड देन यू हैव द कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्पोजेशन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, it is a conflict with the other, either it is the state or the industry or the political nexus or all of them put together in different combinations. Jo inter or intra conflict hai, which is what is the common you know premise between Manipur and Orissa, and I feel it is very very visible since 1984 onwards. 1984 mein aap dekhenge Saura community ka major migration hua tha to South Orissa, स्पेशली फ्रॉम गंजाम डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहाँ पे माइनिंग प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आ गए थे उस टाइम में. और आप देखेंगे कि उनका जो कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट हुआ था वो डोंगरिया कॉन्स और कुटिया कॉन्स के साथ इनिशिएट हुआ था. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट वॉट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट ओवर अगेन एंड द नेचर ऑफ टू कम्युनिटीज. सौराज आर वेरी इंडस्ट्रियस, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. आज के डेट में आप कोई भी एनजीओ प्रोग्राम्स देख लें, सौराज आर द मोस्ट इंडस्ट्रियस पीपल इन दैट. Dongariya Gons and Kutkudiya Gons are happy people. They are laid back. They have believed in subsistence economy and they continue to believe in that. If you look at the amount of nutrition and impoverishment in both the communities, it is higher in Dongariya and Kutkudiya Gons. They are also greater in numbers in them. So the Saura and the Kutkudiya Gons conflict is very very visible in South Odisha. वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा hill tracts को लेके. Third factor or player or institution that becomes active is the market in this case. Market, agar hum conflict with the other ke case mein to hume samajh mein aata hai. Bauxite is an you know commodity jo agar aap raw nikalte hain aur raw export karte hain to profit levels are low for the government because they get what 60 odd rupees per ton or something. But the agency which is the industry, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होता है, क्योंकि वो फिर रिफाइंड प्रोडक्ट अलुमिना सेल बैक करते हैं हमारे कंट्री को. सो द प्रॉफिट मार्जिन इज़ वेरी हाई. वो मार्केट समझ में आता है. उस केस में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आगे चल के समता जजमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं जो हैदराबाद के केस में आया था. रवि रेवा प्रगदा है जिन्होंने इसको लीड किया था. समता नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया था ऑन बॉक्साइट माइनिंग. So we can discuss it and what happened in terms of policy and Supreme Court case. But interestingly, jo local market context hai, usme aap dekhenge again two interventionist agencies, state and the NGO. Ab in communities ka jo traditional food patterns tha, wo mota anaj tha, millets and pulses, to local varieties. Dhan bhi ugate the, to wo rain-fed agriculture mein hi ugate the. Irrigation is an intervention. And that defines the community context and also the ecology. So irrigation and structures that our government makes
is equally responsible for the context that is changing when it comes to ecology or environment. जहाँ पे आप irrigation facilities देंगे वहाँ का local soil type change हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आप chemicals use करना शुरू करेंगे, pesticides use होते हैं. The soil and the food growing pattern changes with irrigation. So that put aside, वहाँ का जो local growing pattern था वो basically था rice which they grew and millets में foxtail millet, barnyard millets were very very common and also pulses which they grew on hill tracts. Now if I look at the property rights in case of kutia corns and sauras, how is it structured? So there are individual pattas which has been introduced by the government post FRA. So what was community is now turning into individual pattas. There are positive sides of it, negative sides of it. And if you want, we can deliberate on that. The second kind of land area which is available is community agricultural land, which is basically shared land under the community. So it belongs to the whole community and through mutual consent, they decide ki is saal mein is patch mein lagaunga, is saal mein is patch mein lagaunga aur us tarah se division ho jata hai. कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हेडमैन के पास वापस आते हैं कि तुम डिसाइड करो कि क्या करना है. तो वो कम्युनिटी एग्रीकल्चरल लैंड. थर्ड कैटेगरी इज कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड. कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड इज वेयर द हेडमैन हैज अथॉरिटी, विलेज हैज एक्सेस एंड कंट्रोल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज नो से इन द एरिया. दैट इज कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड. मेजर फॉरेजिंग वहीं से होता है. एंड देन देयर इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैंड. अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैंड की स्टोरी हम सबको पता है. इस केस में साउथ उड़ीसा में क्या हुआ है कि कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड अब डेन्यूटेड हो चुका है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ एक्सेस दैट पीपल हैव बीन गेटिंग टू नो बिकॉज द मार्केट्स हैव कम इन. टिम्बर वाज फेल टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिटवीन 1980s एंड 2000s जब से आयरन ओर और कोल माइनिंग शुरू हुआ था तब से ही वहाँ पर टिम्बर ट्रेड बहुत पिकअप किया था. तो जो कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी डेन्यूटेड है. पीपल स्टिल सेल साल इन सर्टेन एरियाज बट वो काफ़ी कम हो गया. सो द एक्सेस टू गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड हैज इंक्रीज्ड एंड दिस गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड एक्सेस इज ऑन द बेसिस ऑफ फाइंस विच इज पेड टू द गवर्नमेंट. तो हर एक के पास एक पिंक स्लिप मिलेगा आपको. अगर आप किसी कुटिया खॉन्स या डोंगरिया खॉन्स से पूछें कि ये जो है ये रिसीट क्या है तो वो बोलेंगे हमारी जमीन है ना, उनको प्रॉब्लम नहीं हो वहां पे जाके हम काम करें इसलिए 500 रुपए देते हैं. सो इट इज स्टिल नॉट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैंड. हमारी जमीन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आके तंग ना करे इसलिए उनको 500 रुपए हम पकड़ा देते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू अथॉरिटी एंड क्लेम इट इज वेरी वेरी फजी लाइन इन ओडिशा एज वेल. हाउएवर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सेस इज हाई सो फाइनिंग इज हाई जो कि मणिपुर के केस में नहीं है. व्हेन इट कम्स टू इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन इन केस ऑफ उड़ीसा, सौराष्ट्र का एक केस हमने देखा था. आउट माइग्रेशन एंड देयर आर अदर कम्युनिटीज आल्सो इफ यू वांट देन आई कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन इट बट आई नीड टू रैप अप नाउ. इन टर्म्स ऑफ आउट माइग्रेशन व्हाट हैज हैपेंड इन उड़ीसा एंड आई विल कंक्लूड आफ्टर दिस इसकी उड़ीसा में जो मेजर डिस्पोजेशन हुआ है and lack of local economic opportunities which are suited to their skill set and that is the crux here. Government bolta hai ki hum intervention kar rahe hain, industry laga rahe hain taki employment generate ho, par wo skill levels wahan pe available hi nahi hai. Jo training bhi wo karna chahte hain to wo training unko nahi diya jata jo dispossessed ho rahe hain because education level nahi hai. Aap technician ka kaam kaise karoge? So literacy rates as per the data is very very low in South Odisha. So one, there is dispossession. Two, there is lack of opportunities of employment. Three, even the government programs are not suited to their skill sets. Skill training programs are also industry specific. Agar maine aaj Reliance mein kaam karna hai, Reliance mein agar assembly line mein char step perform karna hai, mujhe wo char step hi sikhayenge wo. That is my training. So next, when I am ousted from the job at Reliance, where do I go? So I migrate wherever the opportunity takes me. और वो कोई भी ट्रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैंने इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग ली हो.
So the kind of out migration that is happening is sheer distress migration. There is no employment opportunity. There is no market access. Horticulture department in 2012 has started to put together FPOs in certain parts of South Odisha, but they are struggling because of the Naxalite context. Church is trying to make way, which is what a NABARD program has done. In this case, the clergy of the church is the coordinator of the program, so that there is no resistance from the Naga, from the Naxalite leaders, local Naxalite leaders. Acceptance of church has been played on. So it is very interesting how the politics has worked out. And therein, with that out-migration which is happening of local community, is jointly to be seen with the in-migration which is happening of the labor class who is working in these industries. So wo pura traditional system of management of ecology and land governance system jo humne baat ki thi char tarah ki zameen ki, wo disrupt ho chuki hai us area mein. And the direct impact is on the local environment, the food patterns, the kind of local nutrition, the kind of, you know, food security which is available, market access which is available. So in the end, I would just like to point out that, you know, whether we talk about seasonal strategies of migration or we talk about long-term migration, both in and out, the migration which is happening with regard to the capital in and out and migration of people in and out is very, very interconnected if you see the kind of political economy that is developing and gets defined by each other. And which is a very interesting case and also very difficult to address and equally complex when it comes to interventions either by the state or the third sector. If I get a chance, let me go to questions and answers. Maybe I can talk about more. Yeah, yeah. If you would like to bring in questions about rest of Southeast Asia or rest of the developing world, I'll be open to it as to what is happening.